आज हम आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ए ऑब्लिक एन को हम इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत रखते हैं। इंडिफिनिट जहां पर हमको अनिश्चितता का बोध होता है, और द जहां जब वो वस्तु निश्चित हो जाती है तब हम वहां पर द का प्रयोग करते हैं। अर्थात इससे ये बोध होता है कि हम उस चीज से पहले से परिचित हैं, तब हम द का प्रयोग करते हैं। यहां हम आज सिर्फ दो ही रूल्स देखेंगे, इसके बाद सीरीज बाय सीरीज आगे बढ़ते जाएंगे। अपन को ये समझना है कि ए और एन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट नियम है, जब एक इस शब्द पर जोर ना देना हो तो एक आने वन की बजाय अक्सर ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे अपन देखें कि हम हमेशा जब भी पढ़ते हैं एक बोलते हैं, लेकिन हमने इसमें लिखा है कि जब एक इस शब्द पर जोर न देना हो, तो यहां अपन उदाहरण से समझेंगे कि कैसे यहां पे एक पर अपन जोर नहीं दे रहे। जैसे उदाहरण है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, लेकिन अपन ने यहां पे जो एन का प्रयोग किया है, एक राजा था, एक तो बोला, लेकिन यहां पर जो राजा है वहां निश्चित नहीं है। अपन यूं ही कह देते हैं जैसे कि वहां एक राजा था, आने जैसे हम उससे परिचित नहीं हैं। जब हम उससे परिचित होते तो वहां पे हम बताते कि जैसे देयर वॉज वन किंग, वहां एक राजा, तो इससे एक बोध होता कि केवल वहां एक ही राजा था जिससे हम परिचित हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोध होता है कि वहां एक राजा तो था, लेकिन उस राजा से हम क्या है परिचित नहीं है, वो कौन सा राजा था, और काउंट भी क्या होता है क्लियर नहीं होता। यहाँ पे इस राजा की संख्या है जो अनिश्चित हो जाती है, लेकिन एक का बोध होता है सिंपल रूप में, पर इस पर जो नहीं होता है कि केवल एक ही राजा था। अब और देखें यहाँ पे, देयर इज अ प्रोवर, एक कहावत है, तो यहाँ पे आ का प्रयोग हुआ है, एक कहावत है, प्रोवर्ब अन कहावत होती है, लेकिन अपन ऐसा तो नहीं है नहीं कि केवल एक ही कहावत होती है, कहावत तो बहुत सी होती है, लेकिन एक का बोध करने के लिए हमने यहाँ पे आ का प्रयोग किया, लेकिन सिर्फ हम अनिश्चितता दर्शाने के लिए यहाँ पर हम आ का प्रयोग कर रहे हैं। जब हमको आ एक संख्या का बोध करना होगा तब हम कैसे करेंगे देखिए, लेकिन यदि वन का उपयोग एक पर जोर देने के लिए किया जाता है तब हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, वन का। जैसे कैन यू गिव मी वन रीजन व्हाई यू डिड दिस, अब यहां पे देखें, क्या तुम गिवन देना, मियां ने मुझे, वन आने एक, रीजन आने कारण, वाई आने क्यों, यू आने तुम, डिड आने किया, दिस, तो यहां हो जाएगा तुमने एक क्यों किया, क्या तुम मुझे इसका एक कारण दे सकते हो। तो यहाँ पे जो अपन देखें कि वन लगाया, यहाँ पे अपन आ नहीं लगा सकते, क्योंकि यदि यहाँ पे तुम एक तो कहा नहीं जा सकता, क्या तुम कोई एक कारण मुझे बता सकते हो अनिश्चित संख्या में, या नहीं भी बता सकते हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे उसकी जो संख्या है वो निश्चित है,
कि केवल एक भी रीजन बता दो हमारे लिए, तब वहां पर हम क्या किस चीज का उपयोग कर रहे हैं, वन का उपयोग कर रहे हैं। यदि यहाँ पे आ कर देंगे तो निश्चित है कि हम उससे कह ही नहीं रहे कि हमको एक भी रीजन बता दो, है ना। अब दूसरा नियम है ए अवलेकेन का प्रयोग सिंगुलर आने एक वचन काउंटेबल आने गणनीय, अर्थात जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे टेबल है, आदमी है, पेड़ है। नाउन आने संज्ञा, नाउन आने संज्ञा, संज्ञा अपन जानते हैं किसी भी चीज के व्यक्ति वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब हम उसका नाम लिखते हैं और हम उसको काउंट कर सकते हैं तब हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। के पहले होता है यदि उस नाउन से अनिश्चित आने निश्चित संख्या ना हो, व्यक्ति जानवर या वस्तु का बोध होता है। जैसे अब यहाँ पे है सी इज अ डॉक्टर, वह एक क्या है, डॉक्टर है। लेकिन अपन जानते हैं कि जो आर्टिकल में आगे पढ़ेंगे रूल्स कि पद को व्यक्त करने के लिए, पद व्यवसाय को व्यक्त करने के लिए ए आई एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बोध पद का भी हो रहा है और अनिश्चित संख्या का भी हो रहा है। जैसे सी इज अ डॉक्टर, वह क्या है, एक डॉक्टर है। सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे अनिश्चित संख्या है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो ही डॉक्टर है। आई हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। तो यहाँ पे क्या, एक कार है, लेकिन वो कैसी, अनिश्चित। ऐसा नहीं है कि आई हैव वन कार, केवल एक ही कार है। हाँ, यहाँ पे बोध हो रहा है, इस कार को इंगित करता है, अर्थात उसकी जाति को बोध कर रहा है यहाँ पे आई हैव अ कार। सी हैज एन अम्ब्रेला, और उसके पास क्या है, एक छाता है। तो जब हम अनिश्चित संख्या बताने के लिए कि हाँ उसके पास ये चीज है, तब हम यहाँ पर ए आई एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अनिश्चितता का बोध होता है। अब आगे का आगे अगले पार्ट में